कसम खा ली थी तुमने कि सब कुछ बर्बाद करके ही तुम लोग ही। तुमने मेरा सब कुछ चला दिया, सब कुछ राख कर दिया तुमने, बर्बाद कर दिया तुमने, बर्बाद। बहुत चुप रह लिया तुमने और बहुत सब्र कर लिया मैंने आसमा। अब मुझे बताओ, बताओ जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा, जवाब दो मुझे। अब आसमा क्या करेगी जिस वजह से ना अरमान दूर हो जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आलिया ब्लैकमेल कर रही है उसको कि मैं तुम्हारी बेटी का नाम तभी बताऊंगी जब तुम ना अरमान को अपनी जिंदगी से दूर कर दोगी, इतनी नफरत पैदा कर दो उसके दिमाग में कि वो तुम्हें छोड़ के चला जाए। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, जो आसमा सबको सही समझाती थी वो आज खुद ये सब कह रही है। बनाने वाली आसमा बिगाड़ने वाली कैसी बन गई, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। यहाँ पर हमने देखा था ना कि किस तरीके से वो कन्नू की शादी में नाटक कराती है आसमा से, आसमा डांस भी करती है शराब पीकर और बहुत सारी चीजें करती है। और यहाँ पर अरमान उससे पूछता भी है कि तुमने क्यों भी शराब पी थी और इतना सब कुछ हंगामा क्यों किया, लेकिन यहाँ पर बताने को तैयार ही नहीं है कि हमें आसमा को समझना होगा, कोई तो तकलीफ जरूर है इसे जो ये ऐसे करे। अगर तकलीफ है तो बताती क्यों नहीं है, सब पूछ पूछ के थक गए। और आलिया जो है ना इस चीज का मजा उठा रही है और वो लोगों को ना भड़का भी रही है सारे घर वालों को उसके खिलाफ कि देखो आसमा किस तरीके से हरकत कर रही है। चाची तो भाई आसमा की दुश्मनी बन गई है, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो जो कन्नू की शादी में भी आए। हाथों झोड़ना आसमा, वो अब तो बता दे, बताना। अरमान क्या कर रहे हो तुम ये, मैं बात करती हूँ आसमा से। आसमा चलो यहाँ से। उन्होंने बोल भी दिया है कि तू ना मेरी कन्नू की शादी जब तक नहीं हो जाए ना तब तक अपना चेहरा मत दिखाना, कमरे के अंदर ही रहना। और ये सब चीजें सुनकर ना अरमान को थोड़ा बुरा लग रहा है और अरमान भाई सोचता है कि क्या चीज है ऐसी जो आसमा को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। और वो उसका फोन चेक करता है और फोन में ऐसा कुछ नहीं मिलता, लेकिन हाँ उसको ना आलिया के बहुत सारे फोन कॉल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर उसका शक बिल्कुल बदल जाता है उसमें कि भाई शायद हो सकता है इन सबके पीछे आलिया हो। आलिया किस चीज के लिए ब्लैकमेल कर रही है, अरमान को ये पता लगाना है। वही हम देख रहे हैं कि आलिया ना फिर ब्लैकमेल करती है आसमा को और उसको बोलती है कि तू अब अरमान को बिल्कुल अपने से दूर कर दे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शादी हो रही है ना उसमें कुछ ना कुछ वो अब बड़ा हंगामा कराने वाली है। पहले तो हमने देखा ही था कि भाई किस तरीके से यहाँ पर उसकी अंगूठी भी खो जाती है और यहाँ पर हमने ये भी देखा था कि आसमा जो है उसकी ज्वेलरी भी चुरा लेती है कन्नू की। और सबको पता भी लग जाता है, अरमान को पता लग जाता है कि भाई जो ज्वेलरी थी वो उसने चुराई है। और भाई आलिया ना उसको मेंटल हॉस्पिटल भी भेजना चाहती है, उसने घर वालों को बोल दिया है कि भाई ये काम करो आप मेंटल हॉस्पिटल भेज दो आसमा को यहाँ पर, क्योंकि उसका दिमाग ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मुझे लगता है कि भाई मेंटल हॉस्पिटल में ना उसका बढ़िया इलाज होगा।